Stano Star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम जो है 50 WPM की स्पीड से डिक्टेशन को लिखने वाले हैं, तो डिक्टेशन आपका थोड़ी देर में शुरू होगा। साथियों, इसमें जो थोड़े भारी शब्द हैं वो हमने वीडियो के लास्ट में नहीं बताए हैं, क्योंकि उन शब्दों का प्रयास अब आपको खुद करना है। लेकिन हम इन्हीं के बीच के शब्दों को शॉर्ट वीडियो में ला रहे हैं, आप हमारी शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको ये शब्द चिन्ह जो इसमें भारी शब्द हैं वो मिल जाएंगे। यदि आपसे नहीं बनते हैं तो आप प्रयासरत रहिए, कई बार प्रयास कीजिए, बन पाएंगे। और आप इनको बहुत ज़्यादा शॉर्ट में लिखने का प्रयास कीजिए। जैसा कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है यह तो सच है, सच तो यह है। तो देखिए, इस चीज़ को हम एक साथ भी लिख सकते हैं। आप जोड़ने का, शब्दों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप 50 WPM पर डिक्टेशन शुरू कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, हमें लिखना है सच, तो हम कैसे लिख सकते हैं? सच लिखेंगे, सह बनाएंगे, सह में चय बनाएंगे, सच और सच में ही तय जोड़ देंगे, सच तो, यह में हम है को इतना बड़ा कर देंगे, तो यह है, दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं साथियों, ठीक है? तो मतलब जोड़ने का प्रयास कीजिए, जैसे सच में तय जोड़, तो जोड़ लीजिए, यह में है जोड़ने का प्रयास कीजिए। और जैसे कि कुछ और शब्द, जैसे कि न कर पाता, तो न भी न कर पाता एक साथ भी जोड़ सकते हैं, कभी भी एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि देखिए, कभी और इसमें ही भी जोड़ दिया, कभी हो गया, ठीक है? अब न कर सकता, तो न कर सकता, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, इनको जोड़ने का प्रयास कीजिए। इससे आपकी डिक्टेशन जो है और भी ज़्यादा सरल बनेगी, आपको आसानी होगी। तो साथियों, चलो डिक्टेशन को शुरू कर लेते हैं, और डिक्टेशन आपकी शुरू होगी 5 सेकंड बाद। सच तो यह है कि अगर बीता हुआ समय लौट पाता होता तो मानव आलसी बनकर आज भी किसी अस्थि युग या पत्थर युग में पड़ा रहकर प्रकृति के हर प्रकोप को सामान्य पशु के समान सहन कर रहा होता। मानव ने जो इतनी प्रगति करके विकास किया है, वह कभी भी न कर पाता। जीवन में कुछ भी नयापन नहीं आ पाता, सभी कुछ बासी और सड़ा गला ही हुआ होता। समय को हम पानी की बहती धारा कह सकते हैं, क्योंकि बहता हुआ पानी ही स्वच्छ और प्रणदायक रह पाता है। उसी प्रकार अनवरत बीत गया समय ही मनुष्य जीवन में नवीनता का, स्वच्छता और उच्च प्रगतिशीलता का संचालन करता है। पानी की धारा अगर रुक जाए तो पहले वह सड़ गल कर दुर्गंधित हो जाती है, फिर धीरे धीरे सूखकर नदी को मात्र बेकार के गड्ढों में परिवर्तित कर दिया करती है। ठीक
यही, गति, दशा, समय के, रुक या ठहर जाने से, या फिर बीता समय लौट आने से, निरंतर प्रगतिशील मानव जीवन और समाज की भी होती है। रुका हुआ समय अर्थात जीवन अपने पुरानेपन और रूढ़िवादिता के कारण पहले सड़ गल अर्थात तरह तरह की कुरूतियों का शिकार हो जाता है। फिर उस जीवन रूपी धारा में प्रगति विकास का नया जल संचार तथा प्रवाहित न होने पर धारा के समान ही जीवन समाज भी सूख अर्थात नष्ट होकर खंडहर बनकर रह जाता है। पूर्ण विराम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।